इसका उपयोग घाव के संक्रमण के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। आयोडीन नष्ट हो जाता है और तेजी से माइक्रोबियल सेल झिल्ली में प्रवेश करता है और साइटोप्लाज्मिक झिल्ली में प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड के साथ बातचीत करता है। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधि में करें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। धन्यवाद।